हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन पटेल्स किचन। मैं हूँ मुबीना पटेल और आज है सातवां रोज़ा यानी कि सेवन्थ डे ऑफ रमदान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पकोड़ा की रेसिपी और आटा पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो दोनों रेसिपी बहुत ही ईजी एंड सिंपल है, तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली हर अपलोड सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है 100 ग्राम, इसके अंदर राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा ऐड कर दिया है। जो मैंने पहले दिन बनाए थे ना, वही पकौड़े हैं, बस आज मैं इनको फ्राई करूँगी। उस टाइम पे मैंने बेक किए थे, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक जरूर कर लेना। तो नमक ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, और ग्रीन चिली पेस्ट मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून भरकर, और एक कांदा और एक आलू यानी के पोटैटो ले लिया है। तो बस ये तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी ऐड करके इसका बैटर बना लेना है। तो मैं यहाँ पर इनको फ्राई करती हूँ, आप चाहे तो बेक भी कर सकते हो। और बस मैं क्या करूँगी कि इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और बाद में मैं ऑयल गरम कर लूँगी और इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर गरम ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आगे मैं आपको बताती हूँ कि आटा पिज़्ज़ा कैसे बनाना है। वो रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बस ये पकौड़े फ्राई हो जाते हैं ना, तो अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो जाते हैं, उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। और जैसे कि मेरी बाकी प्रिपरेशन होती है, फ्रूट्स कट करना, टैंग बनाना, वो सब हो गया है, तो बस अभी फ्राइंग का ही बाकी था। और अब मैं डोनट्स फ्राई कर रही हूँ, जो चिकन डोनट्स मैंने बनाए थे ना, आपने प्रिपरेशन वाले वीडियो में रेसिपी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो वो लिंक भी मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लेना। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये डोनट्स। और बस इनको भी इस तरह से क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करना है और मैंने इनको निकाल लिया है। तो बस मेरा इफ्तार का दस्तरखान रेडी है, आ जाइए आप लोग भी इफ्तार करने के लिए। ये डोनट्स को मैंने टोमेटो केचप और मायोनीज मिक्स करके उसके साथ सर्व किया। पकोड़े तो पकोड़ों को मैंने ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया और वो प्लेट मेरी देवरानी ने भेजा है। और बस मेरी इफ्तारी हो गई है, अब मैं आपको आटा पिज़्ज़ा की रेसिपी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 कप मल्टीग्रेन आटा ले लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हो, चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो। उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया, 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट ऐड की, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हनी। आप हनी की जगह शुगर ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर हेल्दी बना रही हूँ इसके लिए मैं हनी ऐड कर रही हूँ, हनी यानी कि शहद, और ये 2 टेबलस्पून भरकर ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिला लूँगी और गुनगुने पानी से इसका आटा गूंद लूँगी। तो ये मेरी बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। और आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हो तो उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है और मैं क्या करूँगी कि इसे एक गीले कपड़े से कवर करके रख दूँगी, तो मैं इसको वार्म जगह पर रखूँगी। तो मैंने इसको बंद ओवन में रख दिया और 1 घंटे के बाद जब ये राइज हो जाता है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसको एक बार फिर से अच्छे से गूंद लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो एयर बबल्स आए हैं वो निकल जाए अच्छे से। और बस मैं इसको रोल कर लूँगी। तो मैं आज है ना स्क्वायर में बना रही हूँ पिज़्ज़ा, तो स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बना रही हूँ। तो मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा सा आटा डस्ट किया और बस मैं इसको इस तरह से रोल कर लूँगी और इसके अंदर जो मतलब इसके जो एजिस है जिसमें प्रॉपर शेप नहीं है उसको मैं कट कर लूँगी। और मैंने अपना ओवन प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 200 पर
10 मिनट के लिए। प्लेट हमेशा 10 मिनट का होता है और आप चाहे तो इसे राउंड शेप में भी बना सकते हो और आप बिना ओवन के भी बना सकते हो। आप तवा को गर्म कर लीजिए, तवे पर थोड़ा रवा ऐड कर दीजिए और ये बेस को आप 6 मिनट के लिए उसके ऊपर बेक कर लीजिए और कवर करके रखिए। तो बस इस तरह से फॉक से प्रिक कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर दूंगी और ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूंगी और मैं इसे ओवन में बेक करूंगी 6 मिनट के लिए। आप तवा पर भी सेम रखिए और तवे की फ्लेम लो रखना, ओके। और ये बच्चों का पिज़्ज़ा था जिसके अंदर सिर्फ चीज़ और सॉस था और वो जो सारा वाला पार्ट था उसमें पनीर और ऑलिव्स थे। और ये हम लोग का पिज़्ज़ा है जिसके अंदर वेजिटेबल में कैप्सिकम भी है, ऑलिव्स भी है और पनीर भी है। और फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर सॉस लगाया, सॉस की रेसिपी भी मेरी चैनल पर है और इसे 200 पर 15 मिनट के लिए बेक किया था। और बस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये रेसिपीज़ और वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, दुआओं में ज़रूर याद रखना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।